ताजी, ये अगला प्रश्न है। कहते हैं, हम आनंद स्वरूप हैं या हमारी आत्मा आनंद स्वरूप है, तो ये आनंद किसे आता है? आत्मा से ही आता है। जो अंदर है वो तो आत्मा है, वहां से ये आनंद आता है। वो सोर्स है, वहां से सब चीजों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब आत्मा को हमने जेल में डाल दिया तो उनकी रोशनी कैसे आएगी? हम कैसे आत्मा को अपनी कैद में डालते हैं? अपनी इच्छाओं से, अपने अहंकार से उनकी रोशनी को आने नहीं देते हैं। बहुत इच्छाओं के बादल उनके और घुमड़ रहे हैं, अंधेरा छा गया है, उसके ऊपर अहंकार आता है। खुद को देखो, अहंकार कैसा है अपना। कोई हमको थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो अकड़ जाते हैं, गुस्सा आता है, सब नेगेटिव क्वालिटीज ऊपर आ जाती है। तो ऐसे समय में आत्मा कैसे खुश रह सकता है? आत्मा का एक ही प्रिंसिपल है, जरूरत है। आत्मा की एक ही जरूरत है कि वो जिस चीज के लिए आया है उसको प्राप्त करे। जिस चीज के लिए आया है उसको प्राप्त करे। यही जीवन में जो भी हम करें, कोई भी काम, कोई भी विचार, कोई भी मनन प्रकृति, कोई प्रकार का ध्यान या कोई भी पूजा करें, यदि वो आत्मा की उन्नति के लिए सही होगा तो आत्मा एक तरह की शांति शावर कर देगा, आनंद प्रेरित करेगा, मन आनंदित हो जाएगा जब रास्ता सही है, सही पकड़ा हो। कई लोग बोलते हैं कि हम जाने कैसे कि रास्ता सही है कि नहीं। आपको शांति मिले जिस रास्ते पे, वो आपके लिए ठीक है।